स्टेज लगा हुआ है, कॉन्सर्ट का समय भी हो चला है, पर दर्शकों का कोई नामो निशान नहीं है। श्रीना को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक भी इंसान कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने नहीं आया, जबकि शो तो सोल्ड आउट था। पर वो अब कर भी क्या सकती थी। श्रीना निराश होकर शिखर की तरफ देखती है और शिखर उसकी तरफ। शिखर श्रीना को उदास होकर स्टेज से उतरते हुए देखता है। शिखर सोचता है कि वो श्रीना और उसकी मेहनत ऐसे तो जाया नहीं होने देगा, उसे कुछ करना होगा, पर क्या। शिखर कुछ सोचता है और उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। उसने बाहर कुछ मीडिया वालों को देखा था। वो जल्दी से श्रीना के पास जाता है और कहता है, तुम स्टेज पे वापस जाओ और प्रोग्राम शुरू करो। श्रीना को कुछ समझ नहीं आता कि शिखर क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसने पूछा, शिखर तुम मजाक कर रहे हो क्या, बिना दर्शकों के मैं परफॉर्म कैसे करूं। शिखर आश्वासन देते हुए कहता है, वो मैं जानता हूं, तुम शुरू करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। श्रीना भी शिखर की बात मानकर वापस स्टेज पर चली जाती है और खुद ही सब सेट करने लगती है। श्रीना को अकेले सब करता देख बाकी क्रू मेंबर्स भी वहां आ जाते हैं और उसकी मदद करने में लग जाते हैं और अपने अपने इंस्ट्रूमेंट सेट कर उसके साथ प्ले करने लगते हैं। श्रीना गाना शुरू करती है। शिखर सारे मीडिया वालों को लेकर वहां आ जाता है। सारे रिपोर्टर्स अपने कैमरा सेट करते हैं और शो का लाइव टेलीकास्ट शुरू हो जाता है। शिखर भी श्रीना के सोशल चैनल से लाइव होता है। धीरे धीरे शिखर देखता है कि उसकी तरकीब काम आ रही है। लोगों की एक भीड़ उसी ओर चली आ रही है। मौका देखकर शिखर अनाउंसमेंट कर देता है कि ये शो फ्री है। जो लोग नुक्कड़ की दुकानों पर बैठे चाय पी रहे थे और जो टीवी की दुकानों के बाहर श्रीना को टीवी पर परफॉर्म करता हुआ देख रहे थे, वो सब उठकर श्रीना का कॉन्सर्ट देखने निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे पूरा वेन्यू लोगों से भर जाता है और पैर रखने की भी जगह नहीं बचती। पूरा वेन्यू श्रीना के नाम से गूंज रहा है, श्रीना श्रीना। लोग श्रीना का उत्साह बढ़ा रहे हैं और श्रीना भी उतने ही उत्साह के साथ परफॉर्म कर रही है। शो खत्म होने के बाद शिखर बताता है, ये चैरिटेबल शो है और शो से होने वाली सारी कमाई एक हॉस्पिटल बनाने में खर्च की जाएगी, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। शिखर पीछे लगी एक बड़ी सी स्क्रीन की तरफ इशारा करता है, जहां एक बड़ा सा QR कोड दिख रहा है। शिखर देखता है कि लोग अपने अपने फोन निकाल कर QR कोड को स्कैन कर रहे हैं। शो खत्म होता है। शिखर अपना फोन देखता है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो भागता भागता श्रीना के पास जाता है और उसे गले लगाकर कहता है, श्रीना तुम कमाल हो, आज हमें बहुत अच्छी अमाउंट का डोनेशन मिला है। श्रीना मुस्कुराते हुए कहती है, ये कमाल मेरा नहीं तुम्हारा है, तुम नहीं होते तो आज तो शो भी नहीं हो पाता। ओके, हम दोनों कमाल के हैं बस, शिखर कहता है और दोनों हंसने लगते हैं। श्रीना अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलती है और एक पोस्ट शेयर करती है, जिसमें लिखा है कि अब से होने वाले सारे शोज फ्री होंगे और लोग अपनी मर्जी से डोनेट कर सकते हैं। इस पोस्ट को वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर देती है। शिखर और श्रीना एक गांव से गुजरते हैं। शिखर एम्बुलेंस रुकवाता है और निर्णय लेता है कि इस बार कैंप यहां लगाते हैं, क्योंकि असल में यही सब गरीब लोग हैं जिन्हें फ्री इलाज की जरूरत है। शिखर श्रीना अनन्या और बाकी स्टाफ मेंबर्स गांव में प्रचार के लिए जाते हैं। शिखर देखता है कि एक बहुत गरीब और पिछड़ा हुआ गांव है, जहां लोगों के पास जीवन यापन के लिए बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। शिखर वहां घर घर जाकर लोगों से मिलता है और उन्हें बताता है कि गांव में एक हेल्थ कैंप लगाया गया है, जहां वो आकर फ्री इलाज कर सकते हैं। इन्हीं घरों में से एक घर में शिखर जाता है तो वहां देखता है कि एक बच्चा बहुत बीमार है और वो खाट पर लेटा हुआ है और उसकी माँ उसे कुछ घोल कर पिला रही है और सर पर पट्टियां रख रही है। शिखर उस बच्चे के माथे को छूकर देखता है। वो बच्चा बुखार से तप रहा है। शिखर उसे बताता है, आप इसे कैंप ले चलिए, वहां अच्छे डॉक्टर हैं, एक बार उन्हें दिखा दीजिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शिखर बता ही रहा होता है कि उस औरत का पति अंदर से निकल कर आता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुझे अंदर किसने आने दिया। और गुस्से में अपनी बीवी की तरफ देखता है तो वो नजरें झुका लेती है। वो आदमी चिल्लाते हुए शिखर से कहता है, जहां से आए हो चुपचाप वहीं चले जाओ, तुम्हारी ये अंग्रेजी दवाई और डॉक्टर अपने पास रखो, अपने बच्चे की देखभाल मैं खुद कर लूंगा, वैद्य जी ने दवा दी है,
ये उससे ही ठीक हो जाएगा। हमें हमारे वैद्य जी पे पूरा भरोसा है, तू जा यहाँ से। शिखर उसे समझाते हुए कहता है, आप प्लीज मेरी बात मानिए, इसे कैंप ले चलिए, आपके बच्चे को अच्छे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। उस बच्चे की माँ शिखर की बात ध्यान से सुन रही है, पर वो आदमी शिखर की बात सुनकर और गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, जा रहा यहाँ से कि मैं धक्के मार के तुझे बाहर निकालू। शिखर को वहां से जाना ही सही लगता है और वो चाहते हुए उस बच्चे को देखता है। अनन्या शिखर से कहती है, शिखर इन्हें छोड़ो, चलो यहाँ से चलते हैं, दूसरे लोग कैंप पहुंच रहे होंगे, चलकर उन्हें देखते हैं। सब लोग वहां से चले जाते हैं और कैंप के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि वहां गांव का एक भी आदमी नहीं आया है। शिखर सोचता है कि उसने तो पूरे गांव में घूमकर घर घर जाकर कैंप का प्रचार किया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी आदमी ना आया। शिखर भागकर डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है, कोई आया था क्या? डॉक्टर भी निराश होकर नाम सर हिलाता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा अपना इलाज करवाने, मुझे लगता है कि हमें यहां से चलना चाहिए। शिखर को उस बीमार बच्चे का ख्याल आता है, वो कुछ देर सोचता है और कहता है, हम कुछ देर और इंतजार करेंगे, मुझे उम्मीद है कोई ना कोई तो जरूर आएगा। अगर हमने यहां एक भी इंसान की मदद कर दी तो हमारा यहां आना सफल हो जाएगा। इंतजार करते करते रात हो जाती है पर कोई नहीं आता। शिखर निराश होकर एम्बुलेंस के पास बैठ जाता है। शीना देखती है शिखर उदास बैठा हुआ है, वो भी उसके पास जाकर बैठ जाती है। अनन्या दूर खड़ी शिखर और शीना को साथ बैठा देखती है, उसे इन दोनों का करीब आना खल रहा था। अनन्या सोचती है कि उसे कुछ तो करना होगा इन दोनों को अलग करने के लिए, क्योंकि अनन्या जानती थी कि जब तक शीना शिखर की जिंदगी में रहेगी वो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। शिखर को हासिल करने की उसकी कोशिश बस कोशिश ही रह जाएगी, उसे जल्द ही कुछ करना होगा। शीना शिखर के पास बैठी है, उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, तुम उदास क्यों हो, तुमने तो कोशिश की ना, तुम जो कर सकते थे तुमने किया। शीना ये सब बोल ही रही होती है कि तभी शिखर देखता है कि एक औरत तेजी से चलते हुए उसकी ओर आ रही है। उसके पास आने पर शिखर देखता है कि ये वही औरत है जिसके पति ने शिखर को घर से बाहर निकाल दिया था। शिखर भागते हुए उसके पास जाता है और देखता है कि उसकी सांसें फूल गई हैं। लग रहा है जैसे भागते हुए आई है। शिखर उसे पानी देता है और पूछता है, क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? आपका बच्चा ठीक तो है ना? अपने बच्चे का नाम सुनते ही उस औरत की आंखों में आंसू छलक आते हैं। वो रोते रोते कहती है, उसकी तबीयत और बिगड़ गई है, बदन फट्टी की तरह तप रहा है, वैद्य जी की दवाई का भी कोई असर नहीं हो रहा, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, मेरे बच्चे को बचा लो। शिखर उसे दिलासा देते हुए कहता है, आप परेशान मत होइए, मैं अभी एम्बुलेंस भेज रहा हूं, हम आपके बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। शिखर ड्राइवर को इशारा करके एम्बुलेंस निकालने के लिए कहता है। शिखर और वो औरत जाकर एम्बुलेंस में बैठते हैं और एम्बुलेंस उस बच्चे को लेने निकल पड़ती है। एम्बुलेंस उस औरत के घर पहुंचती है। शिखर भाग कर घर के अंदर जाता है तो देखता है कि वो बच्चा वही खाट पर पड़ा हुआ है। शिखर उसे अपने हाथों में उठाता है, उसका बदन अभी भी तप रहा है। शिखर बच्चे को एम्बुलेंस तक लेकर आता है और वहां डॉक्टर उसे देखता है और कहता है, इसे कैंप ले जाना पड़ेगा, बुखार जल्दी कम नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। माँ ये सुनते ही घबरा जाती है। शिखर ड्राइवर से कहता है, जल्दी कैंप चलो। एम्बुलेंस कैंप पहुंचती है। शिखर बच्चे को एम्बुलेंस निकालता है और मरीजों के लिए बने बेड पर जाकर लेटा देता है। डॉक्टर बच्चे का इलाज शुरू करते हैं। बच्चे की माँ लगातार रोए जा रही है, ये देखकर शीना की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। शिखर बच्चे की माँ को दिलासा देते हुए कहता है, आप तसल्ली रखिए, कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को। तभी एक नर्स भागती हुई बाहर आती है और शिखर के पास आकर कहती है, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। शिखर भागता हुआ कैंप के अंदर जाता है और डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। वो शिखर को देखता है और कहता है, एक प्रॉब्लम हो गई है, एक ही दवा है जो इस बच्चे की जान बचा सकती है और हमारे पास वो दवा नहीं है, शायद किसी केमिस्ट के पास हो, पर इस गांव में कोई मेडिकल स्टोर होगा ऐसा लग नहीं रहा है। शिखर को बच्चे की मां का ख्याल आता है।
वो सोचता है कि उसने बच्चे की मां से वादा किया था कि वो उसके बच्चे को कुछ नहीं होने देगा, और उसी उम्मीद के साथ बच्चे की मां उसके पास आई थी। वही था जिसने उसे उम्मीद दी थी, और अब वही उसकी उम्मीद नहीं तोड़ सकता। शिखर डॉक्टर से कहता है, आप इलाज जारी रखिए, मैं दवाई ढूंढ कर लाता हूं। शिखर भागता हुआ बाहर जाता है और खुद ही वैनिटी बस लेकर निकल जाता है। आसपास के लोगों से पूछते हुए वो मेडिकल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसे एक आदमी दिखता है। शिखर उसे रोकता है और पूछता है, भाई साहब आसपास कोई मेडिकल स्टोर होगा? आदमी कहता है, यहाँ के लोग अंग्रेजी दवाइयों से ज्यादा वैद्य जी पर भरोसा करते हैं। यहाँ कोशिश करना बेकार है, इस गांव में तो तुम्हें कोई मेडिकल नहीं मिलेगा। उस आदमी की बात सुनकर शिखर की चिंता और बढ़ जाती है। शिखर को याद आता है कि शीना का कॉन्सर्ट जिस जगह हुआ था वहां जरूर कोई मेडिकल शॉप होगी, और वो यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। उसे कुछ ही देर लगेगी वहां तक जाकर वापस आने में। शिखर वैनिटी घुमा लेता है और फुल स्पीड में कॉन्सर्ट वेन्यू की तरफ निकल जाता है। शिखर कुछ ही किलोमीटर आगे आया था कि तभी उसे दूर से एक मेडिकल का साइन दिखता है जिसकी लाइट्स अभी तक जल रही थी। शिखर उसके पास जाकर वैनिटी रोकता है और वैनिटी से उतरकर भागता हुआ केमिस्ट के पास जाकर उसे डॉक्टर की लिखी हुई दवाई का नाम दिखाता है। उसकी माँ की दुआ जैसे कबूल हो जाती है। केमिस्ट वो दवाई निकालकर शिखर को दे देता है। शिखर उसे शुक्रिया कहता है और पूरी रफ्तार से वैनिटी चलाते हुए कैंप पहुंचता है और दवाई लेकर भागता हुआ अंदर जाकर दवाई डॉक्टर को देता है और हांफता हुआ डॉक्टर से कहता है, ये अब तो बच जाएगा ना? डॉक्टर शिखर से कहता है, हम पूरी कोशिश करेंगे पर कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं। शिखर कैंप के बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि बच्चे की मां अब भी कैंप के बाहर ही खड़ी थी। वो जैसे ही बाहर जाएगा बच्चे की मां उससे पूछेगी कि उसका बेटा कैसा है। जब तक उसके पास कोई ठोस जवाब ना हो वो बाहर नहीं जाना चाहता था। तभी बाहर से कुछ लोगों के शोर करने की आवाज आती है। शिखर को लगता है कि शायद और मरीज आए होंगे। शिखर कैंप के बाहर जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस औरत का पति गांव के और लोगों को लेकर आ गया था जो हाथों में मशाले और हथियार पकड़े हुए थे। वो आदमी गुस्से में जोर से चिल्लाता है, कहां है वो और किससे पूछकर वो मेरे बेटे को यहां लेकर आया? वो आदमी उसके साथ खड़े आदमियों को इशारा करता है और कहता है, सारे कैंप में आग लगा दो। शिखर उसके पास जाता है और उसे समझाते हुए कहता है, आप लोग ऐसा मत कीजिए, हम लोग खुद ही यहां से चले जाएंगे। लेकिन वो आदमी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। वो अपनी लाठी उठाता है और जोर से शिखर की ओर घुमाता है कि इतने में डॉक्टर भागता हुआ कैंप से बाहर निकलकर आता है और कहता है, रुक जाओ सब। सब रुक जाते हैं। वो आदमी भी अपनी लाठी पीछे खींच लेता है। डॉक्टर उस आदमी के पास जाता है और कहता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जिस आदमी पर तुम हाथ उठा रहे हो उसी की वजह से आज तुम्हारा बेटा ठीक हुआ है। ये सुनकर बच्चे की माँ खुश होकर भागते हुए कैंप के अंदर चली जाती है और अपने बच्चे के गले लग जाती है। वो आदमी शर्मिंदा होकर वहीं खड़ा रह जाता है। डॉक्टर कहता है, अगर आज शिखर समय पर दवाई लेकर नहीं आता तो तुम्हारे बच्चे की जान भी जा सकती थी, तुम्हें उल्टा इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो आदमी देखता है कि उसका बच्चा ठीक है, इसलिए वो आदमी शर्मिंदा होकर शिखर के पैरों में गिर पड़ता है और अपने किए की माफी मांगता है। इतना ही नहीं बल्कि पूरा गांव शिखर के आगे झुक जाता है। सारा कैंप गांव के लोगों से भर गया है और सब अपना अपना इलाज करवा रहे हैं। शिखर देखता है कि शीना दूर खड़ी प्यार से शिखर को देख रही है। शिखर उसके पास जाता है और उसका शुक्रिया अदा करने लगता है। आखिर उसी ने तो शिखर को हार न मानने के लिए समझाया था। वो दोनों एक दूसरे के पास बैठते हैं। अनन्या दूर खड़ी ये देख रही है। वो सोचती है कि यही वक्त है कुछ करने का। कुछ सोचकर वो तीन ड्रिंक्स बनाती है और शीना के ग्लास में एक ड्रग मिला देती है। शिखर और शीना साथ बैठे हुए हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं और एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। कि तभी अनन्या की आवाज आती है, आज तो सेलिब्रेशन का दिन है। वो अपने हाथों में ड्रिंक्स के तीन ग्लास पकड़े हुए खड़ी है। जिसमें उसने ड्रग मिलाया था वो ग्लास वो शीना को देती है और दूसरा ग्लास शिखर को देकर तीनों चीयर्स करते हैं। शीना एक घूंट में पूरा ड्रिंक पी जाती है। अनन्या मन ही मन शीना को देखते हुए सोचती है, मैं भी देखती हूँ कल ये कैसे परफॉर्म करती है। क्या
कल शीना परफॉर्म कर पाएगी। क्या चल रहा था अनन्या के दिमाग में, जानने के लिए सुनते रहिए मिलेनियर डिलीवरी बॉय सिर्फ पॉकेट एफएम पर।